नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNPost.com। शनिवार को कर्नाटक के धारवाड़ में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 11 लोगों के मारे जाने और 5 लोगों की बुरी तरह घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक धारवाड़ में इतिगट्टी के पास सुबह 8 बजे धारवाड़ हुबली बाईपास पर एक मिनी बस और टिपर ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे मिनी बस के ड्राइवर समेत 10 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टिपर ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी महिलाएं तावणगेरे में वुमेन्स क्लब से जुड़ी हुई थी और वे सभी एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के लिए गोवा जा रही थी, जिस दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस इस हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी है, वहीं राहत और बचाव कार्य भी जारी है। घायल हुए लोगों को KIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। धारवाड़ रोड एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना जताते हुए ट्वीट किया कि दुख की इस घड़ी में वह पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। इधर लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में इस सिंगल लेन रोड को लेकर भी बातें कही गई हैं, जो सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच मतभेद होने के चलते रुका हुआ है। KYNPost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।